बचपन में स्कूल के अंदर कुछ ऐसे रूमर्स थे, अफवाह थी, जो अभी तक मेरे दिमाग में। ये स्कूल ना कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, चुड़ैल घूमती है रात को यहाँ पे। भाई ये जो नए वाली टीचर है ना, इनका पक्का कुछ पीटीआई सर के साथ चल रहा है। जो दूसरी बिल्डिंग है ना स्कूल की, वहाँ पे दो सीनियर पकड़े गए किस करते हुए। वो भाई अपने प्रिंसिपल के पास ना बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं। जो बायोलैब के अंदर स्केलेटन है ना, वो घूमता है रात को यहाँ पे। 99.9% लोगों को ये व्हाट्सएप की ट्रिक नहीं पता है। व्हाट्सएप ऐप ओपन करके सेटिंग्स में जाइए, स्टोरेज एंड डाटा में जाइए, फिर मैनेज स्टोरेज पे जाइए, फिर वहां पे आपको दिखेगी रैंकिंग की किस किस से आपने सबसे ज्यादा चैट की है आज तक, कमेंट बॉक्स में बताइए। टाइटैनिक के हीरो तो देखे ही होंगे आपने, और अमेज़न के सीईओ जेफ बेसोस को भी जानते हैं, और आपको उनकी गर्लफ्रेंड भी दिखाऊंगा, और ये तीनों का रिलेशन है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है, अभी हाल ही में तीनों एक इवेंट में मिले, और खूब सारे कमेंट भी आए इस चीज को लेकर कि जेफ बेसोस की गर्लफ्रेंड फ्लर्ट कर रही है टाइटैनिक के हीरो के साथ, लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ। देखिए आप वीडियो। अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानिए जिस महीने में आप पैदा हुए हैं। इंटेलिजेंट लोग जनवरी में पैदा होते हैं। रोमांटिक पीपल आर बॉर्न इन फरवरी। केयरिंग पीपल आर बॉर्न इन मार्च। ऑसम पीपल आर बॉर्न इन अप्रैल। स्पेशल पीपल आर बॉर्न इन मई। स्वीट पीपल आर बॉर्न इन जून। ब्यूटीफुल पीपल आर बॉर्न इन जुलाई। अमेजिंग पीपल आर बॉर्न इन अगस्त। स्मार्ट पीपल आर बॉर्न इन सितंबर। यूनिक पीपल आर बॉर्न इन अक्टूबर। स्ट्रांग पीपल आर बॉर्न इन नवंबर। डेयरिंग पीपल आर बॉर्न इन दिसंबर। डोरेमोन तो देखा होगा आपने या सुना होगा। इस सीरियल के पीछे एक सच्चाई है जो बहुत कम लोगों को पता है। नोबिता नाम का एक लड़का था, सच में जापान में रहता था, वो रियल था बिल्कुल, और रियल लाइफ में वो बहुत ज्यादा लेजी भी था, और जो उसके दोस्त थे उसे परेशान करते थे, हमेशा रोता रहता था इस वजह से। वो उसके पास एक बिल्ली थी, कैट थी, उसने उस बिल्ली का नाम डोरेमोन रखा, पर वो कैट एक दिन भागते भागते एक ट्रक के सामने आ गई और वो मर गई। ये सच्ची कहानी है। फिर नोबिता डिप्रेशन में चला गया, सिम्पोजनिया नाम की उसे एक बीमारी हुई, और उसे लगता था मरने के बाद डोरेमोन के, उस बिल्ली के मरने के बाद, कि उसके साथ वो उसकी हेल्प कर रही है, गैजेट दे रही है, उसके साथ खेल रही है वो। बट उसकी मम्मी ने बोला कि डोरेमोन मर चुका है, नहीं है। ये सदमा वो सह नहीं पाया, उसने सुसाइड अपनी जान ले ली।